बड़ी खबर आ गई है, एक एक बड़ी खबर आ गई दीपक जी। एनसीपी में बगावत को लेकर कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने शरद पवार पर निशाना साधा। शरद पवार ने कहा है कि हो सकता है कि पार्टी संचालन में कोई गड़बड़ी हो, शरद पवार से संचालन में कोई गड़बड़ी हो गई हो। तो कड़वाहट दिखाती है कि इतने साल से जो कड़वाहट चल रही थी, अब हो सकता है कि पवार साहब के दल के संचालन में कुछ गलतियां हों। शायद उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को थोड़ा सा दूर कर दिया था, तो वो उनकी अंदरूनी बातें में और पर्टिकुलरली फैमिली डिस्प्यूट में तो जाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। लेकिन ये फैमिली डिस्प्यूट भी होने के बावजूद भी एक राज्य की राजनीति पर इस पर असर पड़ता है। जो 30, 27, 30, 35 जो भी MLAs अजित पवार के साथ गए हैं वो हमारे साथ थे, वो मोदी जी के खिलाफ लड़ने वाले थे, अब वो मोदी जी के साथ लड़ेंगे, हमारे खिलाफ लड़ेंगे, तो उतना तो फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि 4-5 लोकसभा क्षेत्र में उसका फर्क पड़ेगा। और जो सीधे प्रवीण कुंते साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा, और दर्शकों की जानकारी के लिहाज से एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूं, शरद पवार गुट के आप नेता हैं, ये बताइए कि क्या जो स्थिति नजर आ रही है, शरद पवार साहब ने पुत्री मोह में अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर लिया, ये जो कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान? देखिए जिस तरह की बात आप अभी कर रहे हैं, मैं पृथ्वीराज चौहान जी को सुन रहा था, ये बात पूरी तरह से निराधार बात है। पिछले कई सालों से पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि महाराष्ट्र में एनसीपी की लीडरशिप किसके हाथ में थी। लगातार जिन लोगों को हमने एक नहीं चार नहीं पांच पांच बार राज्य का डिप्टी सीएम बनाने का काम किया, जिन लोगों को लगातार कैबिनेट में जगह देने का काम किया, वो लोग अचानक भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस बनाने के लिए क्यों जा पड़े? उनकी क्या मजबूरियां थी? इनमें से किन लोगों के पीछे ईडी की इंक्वायरी लगी थी? इन लोग सरकार की तमाम जांच एजेंसियों के बीच कौन कौन लोग फंसे थे, ये क्या कारण थे? ईडी वाला क्या है, क्या सर ये बताइए, ईडी की वजह से हो रहा है क्या अलायंस? और जहां तक नहीं है, ये पहले भी इस तरह के एलिगेशन लगा चुके हैं, ये पहले भी इसी तरह के एलिगेशन लगा चुके हैं। बार बार सीबीआई ईडी इन्हीं चीजों का हवाला देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई बात ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है देश के अंदर जो विकास हो रहा है ये इनको मालूम ही नहीं है। आंखें बंद करके ये लोग बैठे हैं, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और विदेश में जो पॉपुलरिटी बात पूरा होना चाहिए, इनको अपनी फालतू की चीजें नजर आती है, ये फालतू की महंगाई आपस में भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजित पवार का जो गुट है वो बीजेपी के साथ आने को तैयार था, लेकिन शरद पवार खुद भी बीजेपी के साथ गए। मैं आपको 2014 की घटना की याद दिलाता हूँ, 2014 के जब विधानसभा महाराष्ट्र के हुए थे उस समय फ्लोर पे देवेंद्र फडणवीस को बहुमत अप्रूव करने के लिए शिवसेना ने समर्थन नहीं दिया था, देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थन से बहुमत प्रूव किया था, तो उस समय शरद पवार खुद कहे थे, अजित पवार ने तब बहुत साफ कहा था कि अब अगर समर्थन देके हम सरकार को बचा रहे हैं। समय नहीं है, मेरे साथ यहाँ पर एक बहुत खास मेहमान स्टूडियो में है, आप चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी रहे हैं, अभी के लिहाज से 20 सेकंड में बताइएगा घड़ी किसकी तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहा टेक्निकली जो है 2/3 मेजोरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की राज्यसभा लोकसभा एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ असेंबली एंड MLCs एंड ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट 2/3 मेजोरिटी होगी। उसके साथ ही जब तक पेपर सही चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन के अंदर तो कमीशन उनकी सुनवाई करेगा और एग्जैक्ट पाने पर उनको चले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। श्वेता शालिनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रवीण कुंते साहब समय नहीं है माफी चाहूंगा, शुक्रिया आज इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।